नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों आज मेरे सामने तीन पौधे रखे हैं और मैं तीनों पौधों की वैरायटी के बारे में आपको बताऊंगा। कुछ भाई बहनों ने बोला है आप वैजयंती के पौधे के बारे में बताइए, कब लगता है, कब ख़राब होता है, कितना दिन चलता है। और कुछ भाई बहन बोलते हैं हमारी मधुमालती फूल ही नहीं आता, फूल ही नहीं आता। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें फूल आसानी से आ जाएगा, इसका इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम पे फूल आएगा। तो इसलिए मैंने तीन पौधे मेरे सामने रखे। और दोस्तों हमारा गला अभी भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ़ में है, प्रदूषण इतना हो गया है, आज कुछ आराम है, बोला नहीं जा रहा है, फिर भी हम अपने काम को छोड़ेंगे नहीं। आप भी दोस्तों अपने काम को छोड़ना नहीं, शरीर को जितना हम हिलाएंगे डुलाएंगे उतना शरीर हमारा स्वस्थ और निरोग रहेगा। अगर हम शरीर को लेके बैठ जाएंगे तो शरीर और भी ख़राब हो जाएगा। तो आप हल्की फुल्की बीमारी को इग्नोर कर दिया करो और शरीर को फोर फिट रखा करो दोस्तों। और ये देखिए मेरे सामने तीन पौधे हैं, ये देखिए। ये तो मैं सबसे पहले बताऊंगा, कुछ बहनों ने भाइयों ने बोला कि हमारी मधुमालती फूल ही नहीं आता। ये देखिए दोस्तों, ये ड्रॉप वाली है और इस टाइम तो वो ज़मीन वाली है, वो बड़ी है देसी वाली, उसमें खूब फूल आता है। आप देख रहे हो कितनी इंची थैली होगी, ये 4 इंची थैली है। इस टाइम आपके घरों में, बगीचों में, नर्सरियों में इसके फूल की भरमार है। इसमें अगर आप कुछ नहीं डालोगे ना, समय से पानी देते रहोगे, बढ़िया मिट्टी होगी तो जब भी फूल देगा। अब इसमें देखिए कितनी मिट्टी है और आसानी से फूल आ रहा है। तो इसमें आप ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ये मधुमालती का पौधा आसानी से फूल देता है। आप क्या करते हो, बस उसके ये सोचते हो कि समय से पहले फूल आ जाए, ऐसा नहीं है। आप उसका इंतज़ार करिए, उसकी केयर करिए, समय पर खाद डालिए, पानी डालिए, समय पर आराम से फूल खिलाएगा। मधुमालती का पौधा बिल्कुल आसानी से चल जाता है और हम कई बार इसकी वीडियो बना चुके हैं, आज और बता रहे हैं। आज इसलिए बता रहे हैं कि कुछ भाई बहनों ने बोला है कि फूल नहीं आता, इसमें खूब फूल आएगा। अगर यही पौधा 10-12 इंची गमले में होता तो कितना फूल आता, आप देख रहे हो डंडी डंडी पे। तो इसमें डरने की बात नहीं है, आसानी से फूल आ जाता है। ज़्यादा खर्चा ना करें, समय पे खाद डाल लें, 2-3 महीने में मिट्टी सूखी पानी दें, आसानी से फूल देता रहता है। और देखिए दोस्तों दूसरे नंबर पे ये है वैजयंती का पौधा। ये आपको क्या लग रहा है, यह आपको ये लग रहा होगा कि बाजरे का पौधा है या ज्वार का पौधा है या ईख का पौधा है, नहीं, ये वैजयंती का पौधा है। इसको लगाते हैं अप्रैल के महीने में, इसका हम बीज डाल देते हैं और ये अगस्त तक पौधा ठीक ठाक रहता है। और दोस्तों इसकी कोई ज़्यादा केयर नहीं है, एक बार बीज डाल दिया, मिट्टी सूखे पानी डालते लो, ये बाजरे का पौधा होता है और ज्वार का पौधा ना उसकी तरह रूप ले लेता है और इसमें फूल आके फिर वो बीज लगता है, उस बीज की मालाएँ वगैरह बनाते हैं और इसको पवित्र पौधा मानते हैं। तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, अभी तो हमने छोटी छोटी थैलियों में लगाया है। वैजयंती का पौधा कोई ज़्यादा वो मायने नहीं रखता, वो बिल्कुल आसानी से लग जाता है। अप्रैल में इसका बीज डाल दो, आसानी से उग जाता है, खाद मिट्टी बढ़िया बना के डाल दो गमले में, सारा दाना दाना उग जाता है और ये चलता रहता है। जुलाई अगस्त के बाद पौधे की दोस्तों, ये परमानेंट पौधा नहीं है, इसकी लुक खराब होने लग जाती है और सूखने लग जाता है, सर्दी में ये सूख जाता है। इसका बीज लगेगा फिर उसकी आप मालाएँ वगैरह बनाते हैं, आस्था के तौर पर भी लगाते हैं इसको। और फिर अगर आप नया पौधा उगाना चाहते हो, उसका जो जड़ुआ पड़ा रहता है ना दोस्तों, उस जड़ुए में से भी निकल जाता है अगर आप उसको नहीं छेड़ोगे तो। और अगर आप नया उगाना चाहते हो तो बीज से उगा सकते हो, वो जड़ुआ भी एक जगह पड़ा रहेगा ना, वो सूख जरूर जाएगा, वो नीचे से आ जाता आसानी से अगर आप उसको प्रॉपर आप थोड़ा ज़्यादा बड़े गमले में लगा रहेगा, छोटे गमले में बात नहीं बनेगी, ज़मीन में है वो सूख सा जरूर जाएगा, आसानी से नीचे से निकलेगा। तो वैजयंती का पौधा में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, समय पर पानी देते रहिए। और इसकी हाइट आ जाती है दोस्तों कम से कम 5-6 फुट आ जाती है, अगर ज़मीन में इतनी हाइट आ जाती है और गमले में भी अच्छी हाइट आ जाएगी, वैजयंती का पौधा ऐसे लगा सकते हो आप। और जितनी गर्मी उतना हरा भरा रहता है, ये आपके बगीचे की शोभा भी बढ़ाएगा और इसमें जब वो फूल आने के बाद जो भी बीज लगता है आप उसकी मालाएँ वगैरह बनाते हैं या जो भी जिस रूप में आप उसको प्रयोग करना चाहते हैं
उसको कर सकते हैं। और एक लगा लिया तो हज़ारों बना देता है। वैजयंती का पौधा बहुत आसानी से लग जाता है, और समय पर पानी देते रहिए इसको, एक बार खाद डाल दो, कोई ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये वैजयंती का पौधा, ये देखिए दोस्तों, तीसरा पौधा मेरे पास है, ये छुई मुई का, हम इसको नर्सरी में छुई मुई बोलते हैं, और इसको धूप में लगाते हैं, मार्च के महीने में इसका बीज डालते हैं, गमले में बहुत शानदार चल जाता है, और इस पे पिंक पिंक फूल और वाइट फूल बहुत सुंदर आते हैं, और इसको बच्चे बहुत खुश रहते हैं। इसको जब ऐसे हिला देते हैं, देखिए, इसीलिए इसको छुई मुई बोला गया। देख रहे भाई, ये देखो, ये देखो मुड़ गया, ये देखो गया। तो छुई मुई का पौधा भी आप लगाइए। छुई मुई का पौधा वैसे परमानेंट होता है, सर्दियों में इसको बचाना पड़ेगा। सर्दियों में अगर ये आप ज़्यादा पानी वगैरह डालते हो तो उससे ख़राब हो जाता है। इसको ज़्यादा ना खाद चाहिए ना ज़्यादा पानी चाहिए। अगर इसकी एक रूट सी भी बच जाती है ना ये सर्दियों में, तो भी चलता रहता है ये, और इसकी जड़ बहुत काम आती है, और ये बहुत अच्छा रहता है, और बच्चे इसको देख के बहुत बहुत खुश रहते हैं। छुई मुई का पौधा भी लगाइए, क्योंकि गर्मी के पौधों में छुई मुई भी अपने बगीचे में एक पक्का लगानी चाहिए। और इसका देखिए, और इसको लाजवंती भी बोलते हैं। ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये देखो, अब लग रहा है कि पौधा है ही नहीं। ये देखो, अब ये 5 मिनट में फिर खिलेगा। छुई मुई का पौधा भी लगाइए, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करना। इसके 8-10 इंची गमला हो, मिट्टी सूखे पानी देते रहो, बिल्कुल खुश्की में भी चलता है ये, और ये आसानी से उग जाता है। इसमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बीज लग जाएंगे, आप उनको बीज को रख लो, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में बीज डाल दो, आसानी से उग जाएंगे और बहुत बन जाते हैं ये। और ये गाँव में बहुत होता है दोस्तों, ये जंगल में वैसे भी उग जाता है, और नर्सरियों में ये हम इसको बेचते हैं। तो आप ये पौधा भी लगा सकते हैं। ये तीनों पौधे आप अपने बगीचे में लगाइए। तीनों पौधे बिल्कुल कम मेहनत के हैं, आसानी से चल जाते हैं, और कम खर्चे में चलते हैं, और ये आपके बगीचे में खूब फूल खिलाएंगे, और जितनी गर्मी उतना हरा भरा रहते हैं, और फूलों से भरे रहते हैं, और ये आपके बगीचे की शोभा बढ़ाएंगे। गर्मियों में आप इन तीनों पौधों को लगाइए, और अपने बगीचे को हरा भरा और सुंदर बनाइए। तीनों पौधे आसानी से चल जाते हैं, इनमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये मैंने आपको बताया ना, ये लाजवंती का पौधा, ये आसानी से लग जाता है। इसका बीज आप बचा के रखिए, अभी फूल आने के बाद इसमें बीज बचता है, उसको आप बचाइए, और फरवरी मार्च में डालिए, उग जाएगा। और वैजयंती का पौधा भी परमानेंट पौधा होता है, सर्दियों में थोड़ा ख़राब हो जाता है। सर्दियों में अगर आप इसमें पानी डालोगे ना तो ये गल जाता है। अगर आप इसको ठीक ठाक टाइम पर पानी दोगे, कम खाद वगैरह डालोगे, तो ये नीचे से भी फुटाव ले लेता है। दिसंबर जनवरी में ये दिक्कत आती है इसमें, ये भी परमानेंट पौधा होता है। तो लाजवंती का पौधा भी आप आसानी से लगा सकते हैं, और ये तीनों पौधे आपके बगीचे को हरा भरा और सुंदर बनाएंगे दोस्तों। कम खर्चे में आपका बगीचा खुशहाल रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।